हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। आज हम लोग देखेंगे आपका एक्सरसाइज जो है आपका भारतीय भवन मैथ एक्सरसाइज 4B है, जो कि आपका क्लास 10 का होगा और इसका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आपका 12 होगा। कौन सा होगा? 12 होगा, जबकि इससे पहले के वीडियो में जो है आपका इससे पहले का क्वेश्चन मिल जाएगा 11 तक का, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 12। तो देखिए, 12 कहता है कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपये बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपये, इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपये बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत आय जो है 5000 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वर्ष में कितना बचाती है, तो पहले वर्ष में 320 रुपये बचाती है और दूसरे वर्ष में जो है कितना बचाती है, तो 360 रुपया बचाती है, और इसी तरह से जो है प्रत्येक मंथ वो कितना बचाती है, तो 40 रुपया बचाती है। तो कितने मंथ बाद जो है उसका सैलरी जो है यानी उसका जो बचत है वो 5000 रुपया हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि हम यहाँ जो है ए कितना हो जाएगा, तो ए जो है आपका 320 हो जाएगा, और डी कितना है, तो डी आपके क्वेश्चन में कह दिया है कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर जो हमें SN दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 5000। कितना दिया हुआ है? 5000। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि कितने दिन में ये हो जाएगा। तो देखिए, इस पर फार्मूला लगाइए। तो देखिए, योगफल का फार्मूला लगाएंगे तो SN बराबर होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 और इंटू का d, यही तो फार्मूला होता है। देखिए, SN कितना दिया हुआ है, तो SN जो है 5000 दिया है, तो 5000 रखिए। n नहीं मालूम है तो n/2 रहेगा। 2a कितना है, तो a जो है आपका 320 है, प्लस n नहीं मालूम है, n-1, और d कितना है, तो d जो है आपका 40 है, तो 40 रखिए। अब देखिए, ये हो जाएगा 5, इसे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 5000 और इज इक्वल टू n/2 इंटू, इसे गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 0, 2 × 4 और 3 × 6, 640 हो जाएगा, और प्लस का अगर इसमें हम 40 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40n और माइनस का 40n हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5000 इज इक्वल टू n/2 इंटू, 640 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 40n। अब इससे यदि हम गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5000 और इससे गुना कीजिएगा तो ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300n, और प्लस का ये हो जाएगा 20n². क्या यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा। अब देखिए, ये जो हमारा जो वैल्यू प्लस में है उस साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो इसे सीधा करके देखिए तो ये हो जाएगा 20n² और प्लस का 300, प्लस का 300n और माइनस का 5000। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। अब जो है इसे क्या कीजिए, तो यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन यदि हम मान लीजिए 5 ले रहे हैं तो 5 क्या आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। अगर 10 ले रहे हैं तो क्या 10 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 10 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 × 20n² और प्लस का हो जाएगा ये कितना, 10 × 30 यानी 30n हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, तो 10 कट जाएगा और 10 × 50 हो जाएगा, और ये 20 है तो 20 हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल होगा। और इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो ये तो 0 हो जाएगा। देखिए, और भी इसमें से कॉमन आ सकता है, जो वैल्यू होगा 2n² और प्लस का 30n और माइनस का 500 जो है, इसमें से और कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और आएगा तो क्या बचेगा, n² और प्लस का 15n और माइनस का ये कितना बच जाएगा, तो ये जो है आपका बच जाएगा 25 × 50। कितना बच जाएगा? 25 × 50 यानी जो है ये 250 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये इधर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n² प्लस का 15n और माइनस का 250। क्या यही बचेगा ना? और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब जो यहाँ जो वैल्यू आया इसका क्या कर दीजिए, या तो आप गुणनखंड करके निकाल लीजिए या जैसे मन करे वैसे निकाल लीजिए। तो देखिए, यदि करते हैं कि गुणनखंड करते हैं तो शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करना होगा, तो 1 को 250 से गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 250। अब ऐसे दो खंड में इसे तोड़ना है कि गुना करके इतना आ जाना चाहिए और जब जोड़े घटाए तो कितना आ जाए, 15 आ जाना चाहिए। तो इसको हम तोड़ लेंगे, 25 × 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 250, और 25 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं n² और ये प्लस का हो जाएगा 25n, चूँकि हमें वैल्यू प्लस में लाना है, और माइनस का 10n
और माइनस का 250 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, तो इसमें जो हम लोग का जो कॉमन है ये कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, तो ये बचेगा n और प्लस का 25 और माइनस, यहाँ से हम 10 कॉमन ले रहे हैं, तो ये कितना बचेगा, तो ये n और माइनस का 25 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों क्या है, एक जैसा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस का 25 और ये हो जाएगा n और माइनस का 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो के बराबर कीजिए, तो n और प्लस का 25 को हम जीरो के बराबर करते हैं, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू जो है आपका माइनस में 25 आ जाएगा, लेकिन ईयर जो है, साल जो है, क्या माइनस में होता है, नहीं होता है। तो इसे कीजिए n माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस में, यानी ये कितने वर्ष में हो जाएगा, तो ये जो है 10 वर्ष में इसका जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 13 का पहला क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटी भुजा जो है वो कितना है, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सार्वांतर 5 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतः कोण का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी बना लेना है। देखिए तो हमें जो प्रथम पद दिया है वो कितना दिया है, तो हम मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद जो दिया वो 120 डिग्री दिया, जबकि कह दिया कि इस सब का अंतर जो है वो कितने का है, तो 125 डिग्री, यानी 5-5 का अंतर है, तो और भी आएगा, लेकिन हमसे कहा गया कि ये बहुभुज है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने, कौन सी भुजा है, कौन सा बहुभुज होगा, इसके कितने भुजे होंगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, योगफल का फार्मूला लगाते हैं, तो कोणों का योग, तो कोणों का योग का, योग का फार्मूला और योगफल सूत्र भी लगाइए और दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू का हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू का d हो जाएगा। अब देखिए कोणों के योग का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 इंटू n माइनस 2 और इंटू का 90 डिग्री होता है इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 और a कितना है, तो a आपका 120 डिग्री है प्लस n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, और 1 और d कितना है, तो d आपका 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है ये आपका डिवाइड में, ये गुना में है और इधर डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में है तो इस साइड आके गुना में हो जाएगा, तो ये भी गुना हो जाएगा, तो इसे हम अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसे आगे बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा, 90 दुना 180 और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, और इंटू का हो जाएगा n माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू का ये 240 हो जाएगा प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n और माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 360 डिग्री और इंटू का n माइनस 2 और इज इक्वल टू n और इंटू ये 240 है, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 235 और प्लस का 5n हो जाएगा। अब इसे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 360 डिग्री और इंटू का अगर इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 360n हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 235n और प्लस का हो जाएगा 5n स्क्वायर, क्या यही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो देखिए इसे थोड़ा सा क्या कीजिए कि अब सॉल्व कीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n, n को एक साइड कर लीजिए और n स्क्वायर को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ इसमें n नहीं होगा, ये 360 दुना जो है ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 और 6 दुना 12 3 दुना 6 7 यानी 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री n और माइनस का 720 और इसे इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 235n और उसे रहने दीजिए 5n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रहने दिए। अब देखिए इसे माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 235 360 में से माइनस होगा तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 और ये कितना बचा, तो ये 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और ये कितना बचा, तो ये आपका 3 है, 3 में से 2 गया 1 बचा, 125n और माइनस का 720 और बराबर का 5n स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इस सब को उठा के इस साइड ले आइए, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इस साइड यदि लाते हैं इस साइड अगर लाइएगा तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर और माइनस का 125n
और प्लस का हो जाएगा 720। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, तो कॉमन जो है यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस का 25n और प्लस का 5 × 5 लगेगा 2 बचेगा, 4 × 5 = 20 और फिर जो है 4 × 5 = क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब इसे 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n² और माइनस का 25n और प्लस का 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब शुरू वाले को क्या कीजिए कि लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, और जैसे ही शुरू वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या निकलेगा, तो यहाँ जो है हमें n का वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू निकलेगा n का। तो देखिए 1 से जो है इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 144 और इसे तोड़ेंगे तो 12 × 12 करके तोड़ना होगा, तो ये भी 144 हो जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 जो है नहीं पूरा होगा, तो फिर इसे हम कितना से तोड़ें, तो देखिए इसे हम और तोड़ सकते हैं, 16 × 9 तोड़ देंगे तो 144 भी हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि हमें 25 लाना था। तो ये हो जाएगा n² माइनस 16n और माइनस का 9n कर देंगे तो दोनों जुड़ जाएगा और 25 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा तो 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से कॉमन लेंगे तो n कॉमन निकलेगा, तो ये n माइनस का हो जाएगा 16, और ये यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से भी माइनस का 9 ले लीजिए, तो ये बचेगा n और माइनस का 16 बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों जो है एक जैसा हो गया, तो दोनों को एक बार लिखेंगे और ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो n माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों को जो है 0 के बराबर कर दीजिए, तो इसे 0 के बराबर करेंगे तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 16 निकलेगा, और इसे कीजिए n माइनस 9 को 0 के बराबर, तो n कितना निकलेगा, तो 9 निकलेगा। तो हमें निकल गया कि मतलब वो कितने इसमें भुजा होंगे, तो 9 भुजा होंगे, कितने भुजा होंगे तो 9 भुजा होंगे, और जबकि जो है इसे अब हमें कोण का योग निकालना है, क्या निकालना है कोण का योग, तो n हमें पता चल गया है, क्या चल गया n पता चल गया है कितना, तो ये पता चल गया है कि 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। अब Sn का फार्मूला जो है लगा करके n के जगह 9 रख दीजिए, तो Sn बराबर हो जाएगा 9/2 × 2a, क्या हो जाएगा 2a, और a कितना है तो 120 है, या फिर जो है ये फार्मूला ना लगा करके और कोणों का योग, चूँकि हमें कोण का योग पूछा है तो कोण का योग का फार्मूला लगा दीजिए, तो कोण का योग का फार्मूला क्या जानते हैं, तो इसका फार्मूला है 2 × n-2 और इंटू का 90 डिग्री, क्या यही है ना, बिल्कुल यही है। अब देखिए इस पर जो फार्मूला लगाएंगे तो n हमें पता चल गया है 2 × 9 और माइनस का 2 और इंटू का 90 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9 में से 2 को घटा लीजिएगा तो 7 और 7 में 2 से कर देंगे तो 14 और 14 को 90 से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 और 10 है तो 10 लगा दीजिए, यानी टोटल एंगल का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1260 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 13 का दूसरा नंबर कहता है किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेढ़ी में है, सबसे छोटा कोण 42 डिग्री तथा सर्वांतर 33 डिग्री है, बताइए इसमें कितनी भुजा होंगी, तो हमें पहले भुजा बताना है इसमें। तो देखिए सबसे छोटा कोण जो है वो कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 42 डिग्री, कितना दिया हुआ है 42 डिग्री, और जबकि कह दिया है ये AP में है और इसका अंतर कितने का है तो 33 का है, तो इसमें 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी होगा जिसमें से हमें A पता चल गया है, A कितना हो जाएगा तो 42 डिग्री हो जाएगा, और D कितना दिया है तो D जो है आपका 33 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कितने भुजा इसका बताना है केवल, तो SN का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये फार्मूला हो जाएगा और कोणों का योग भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 × n-2 और इंटू का कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद जो है योगफल का सूत्र लगाइएगा, तो n/2 और इंटू का हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू का 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है इसे सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और इंटू का n-2 इज कॉल टू यहाँ n/2 × 2 और a का वैल्यू है 42 डिग्री और प्लस n तो नहीं मालूम है तो n को वैसे ही रहने दीजिए, n-1 और यहाँ d होगा, तो d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू जो है आपका 33 डिग्री है, तो यहाँ रखेंगे 33 डिग्री। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री और इंटू का n-2 और इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 × ये कितना हो जाएगा तो 84 डिग्री और प्लस का इससे 33 से कर दीजिए तो 33n हो जाएगा और माइनस का 33 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
तो देखिए इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री एन, और माइनस का 180 को 2 से कीजिएगा तो ये 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360, और एन बाई 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42n, चूँकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो ये फिर जो है डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए क्या कीजिए कि इसे जो है अभी इस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आसान हो जाएगा, और 84 में से 33 को माइनस कर लीजिए तो 4 में से 3 जाएगा 1, और 88 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, और प्लस का 33n बचेगा, क्या बचेगा n बचेगा। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस 2 से तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री n, और माइनस का कितना हो जाएगा तो 720 डिग्री, और n से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51n, और प्लस का 33n स्क्वायर, क्या होगा बिल्कुल होगा। आगे देखिए अब जो है इसे अब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमें क्या निकालना है n निकालना है, तो इस सब को जो है उठा के उस साइड ले चलिए तो ये हो जाएगा आपका 51n और प्लस का 33n स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इस साइड आकर के हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस में, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 33 और ये 33 को पहले लिखिए तो ये हो जाएगा 33n स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा तो 9 बचेगा, और ये बचा 5, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 होगा, 309n हो जाएगा, और प्लस का ये कितना होगा तो 720, और इस इक्वल टू का 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या 11 इसमें कॉमन है, अगर 11 तिया 33 और ये 11 दुना 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, लेकिन नहीं लगेगा ये 11 से तो नहीं कट पाएगा, लेकिन अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो निकल जाएगा, ये 11n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 एकम 3 कट जाएगा 0, और 3 तिया का 9 हो जाएगा, और ये कितना कट जाएगा तो ये आपका कटेगा 2 तिया का 6, एक बचा 4 तिया 12, यानी 24 तिया 72 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, तो ये आपका 11n स्क्वायर और माइनस का 103n, और प्लस का कितना बचा तो 24, 240 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे जो है आप दो तरह से बना सकते हैं, तो इसे जो हम बनाते हैं वो द्विघात फार्मूला से बना लेते हैं, चूँकि थोड़ा सा गुणनखंड करने में यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो चलिए a कितना हो जाएगा, तो a जो है मेरा 11 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, तो b जो है माइनस का 3 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, तो ये आपका 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें d निकाल लेना है विभेचक, यानी b स्क्वायर और माइनस का 4ac फार्मूला होता है, तो b का वैल्यू है माइनस का 103, तो 103 का स्क्वायर और माइनस 4, a का वैल्यू 11 है और c का वैल्यू 240 है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 100 का हमें क्या करना होगा, तो 100 का स्क्वायर करना होगा, क्या करना होगा 103 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर तो 103, 103 को जो है दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 103 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो रुक जाइए करके देखते हैं, 103 गुना का 103, अगर इसे हम गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 10609 माइनस। अब देखिए सी जो है ये प्लस में था, सी क्या है प्लस में है, तो इस सब को माइनस करना पड़ेगा, तो इस सब को माइनस करेंगे गुना करके माइनस कीजिए, तो ये जाएगा 4 और इनटू का 11 और इनटू का 240, जब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10560 हो जाएगा, तो इसे माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 0 में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, बस इतना ही बचेगा। तो अब हमें क्या लगा देना है, तो द्विघात सूत्र लगा देना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ए कितना था, तो ए जो आपको दिया हुआ था वो ए था 11, कितना है 11 है, जबकि बी कितना है, तो बी जो है ये है आपका माइनस का 103, कितना है माइनस का 103, और सी कितना है, तो सी जो है 240 है, कितना है 240। तो अब जो है द्विघात यदि सूत्र लगाते हैं तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, चूँकि डी हम निकाल लिए हैं और बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा।
तो देखिए बी कितना है, तो बी जो है आपका माइनस का 103 है, तो 103 रखिए और प्लस माइनस रूट अंडर का 49 निकला है, तो 49 और 2a कितना है 11 है, तो 11 रखते हैं। ये माइनस माइनस प्लस का 103 हो जाएगा और प्लस का 7, और एक बार माइनस में कर देंगे, 11 दुना का 22 और ये हो जाएगा 103 और माइनस का 7 और बाई कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, तो 22 लिखिए। अब देखिए इसे एक बार जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा और बटा का 2 हो जाएगा और कॉमा इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे घटाना पड़ेगा तो 3 घट जाएगा, तो ये फिर बचेगा कितना, तो 4 बचा और ये 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 और बटा का 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 बटा का 22। अब देखते हैं क्या ये कटेगा, अगर कट रहा होगा तो इसे काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये कट जाएगा 22 पंचे, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसे 11 दुना 22 काट दीजिए और 48 दुना 96 हो जाएगा, तो n का वैल्यू तो पूर्णांक में नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है आपका 5n का वैल्यू हो गया, यही हमें कह रहा था निकालने के लिए। अब जो है इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, यानी ये 12 का 13 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो 13 का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में इसका लघुतम कोण 88 डिग्री और सर्वांतर 10 है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है और लघुतम कोण दे दिया है, कौन सा कोण दे दिया है, लघुतम कोण। तो लघुतम कोण कितना दिया है, तो ये आपका दे दिया है 88 डिग्री, कितना दिया है 88 डिग्री, और अगला जो अंतर दिया है वो 10 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और इसी तरह से और भी होगा। तो ए कितना हो गया, तो ए जो है आपका 88 डिग्री हो गया, और डी कितना है, तो डी 10 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि कितनी भुजा होगी, भुजा की संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 2n-2 और इंटू का 90 डिग्री और इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a और प्लस का n-1 और इंटू का d, यही फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2n-2 और इंटू का 90 डिग्री और इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 और a कितना है, तो 88 डिग्री है और प्लस n नहीं मालूम है और d कितना है 10 है, तो 10 रहने दीजिए। अब इसे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 180n और माइनस का हो जाएगा 180 दुना का 360 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन अभी रहने दीजिए। तो n बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 दुना 16 176 हो जाएगा और 10 से करेंगे तो ये 10n और माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, तो अगर हम इसमें जो है अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180n और माइनस का 360 इज इक्वल टू n बाई 2 हो जाएगा और इंटू 10 घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा 166 बचेगा और प्लस का 10n 180n और माइनस का 360 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 अट्ठे का 16 और 2 तिया का 6 यानी 83n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5n2। अब देखिए n वाले को एक साथ कर लीजिए, इस सब को उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 80 सीधा करके लिख देते हैं 5n2 और प्लस का 83n और इसे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180n और ये प्लस का 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो प्लस में लिख दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसे क्या करना है, प्लस माइनस कीजिए, तो अगर इसे ये तो नहीं है n स्क्वायर कहीं, तो 5n2 रहने दीजिए। अब 180 में से 83 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 97n, कितना हो जाएगा 97n और प्लस का 360 और इज इक्वल टू का 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आने वाला है तो कॉमन ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई भी जो है कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा और 5 से नहीं कटेगा तो फिर कॉमन कैसे आएगा, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से जो है इसे द्विघात फार्मूला से बना लीजिए, तो ए कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 97 और सी कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। अब हमें निकालना है डी, तो डी इज इक्वल टू होता है बी ए स्क्वायर और माइनस का 4ac, तो बी का वैल्यू कितना लिया है, तो बी का वैल्यू है माइनस का 97, तो माइनस का 97 का स्क्वायर और माइनस 4, ए है 5 और सी कितना है, तो सी जो है आपका 360 है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो 97 का स्क्वायर कीजिए और 97 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 97 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 94
और 09 और माइनस इस सभी को गुना कीजिएगा तो ये 4 गुना 5 गुना कितना है तो 360 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7200। कितना आ जाएगा 7200। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 होगा 0 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। तो क्या ये जो अब जो है अब क्या लगाना है, तो अब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, द्विघात फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो द्विघात फार्मूला। अब देखिए द्विघात फार्मूला क्या होता है, तो द्विघात सूत्र n के लिए लगाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, और बाई क्या हो जाएगा तो बाई हो जाएगा 2a। अब देखिए माइनस और b कितना दिया हुआ है, तो b जो है आपका माइनस का 97 है और प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी आपका कितना है तो 2209 है और बटा का 2। a कितना है तो a जो हमें निकला है वो निकला है 5, तो 5 रखिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 97। एक बार आपको प्लस में लिख देना है एक बार माइनस में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 47 आएगा, तो इसे लिखिए 97 और प्लस का 47 बाई 5 कॉमा 97 और माइनस का 47 बाई 5। इसे जोड़िएगा तो 7 और 7 14 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 और बटा का 5 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 5। 5 से तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो जो आपका कोण होगा, चूँकि जो भुजा का है ना, तो भुजा तो बटा में नहीं होगा या फिर भुजा जो है पॉइंट में नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 10/50 कटा है ना, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि ये 5 2 क्या होगा, तो ये 5 2 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी कितना हो जाएगा तो 10 और यहाँ भी लिखिए 10 और यहाँ भी हो जाएगा 10, तो ये कितना से कटेगा 5 से कटेगा, तो ये जो आपका आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, तो भुजा की संख्या जो है वो कितना होगा, तो भुजा की संख्या 5 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, भुजा की संख्या 5 हो जाएगी, तो 5 आपका आंसर हो गया।